किसानों के दर्द की दास्तान लगातार जारी है। हमारी गाड़ी हाईवे पे खेत खलियानों को नाप रही थी और गांवों के भीतर हम किसानों के दर्द को नापने की कोशिश कर रहे थे। दर्द कितना गहरा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। इस बार दर्द का नया पड़ाव सोनीपत जिले का रिवाड़ा गांव था। किसानों के दर्द की ढेरों कहानियां हैं, ऐसी ही एक और कहानी और दर्द को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सोनीपत के रिवाड़ा गांव। रिवाड़ा गांव में हमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा सिवाय सन्नाटे के। उम्मीद के मुताबिक सब कुछ एक साधारण गांव की ही तरह था। कहीं बुजुर्ग घर की दहलीज पर बैठकर हुक्का पी रहे थे तो कहीं महिलाएं उपलों से भरी डलिया लेकर घर की ओर जा रही थी, तो कुछ भैंस चराने निकले थे। हमें युद्धवीर के घर की तलाश थी जो हमें जल्द ही मिल गया। घर की मुंडेर पर ही नजरौटा लगा हुआ था जो शायद अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुका था, क्योंकि यह नजरौटा इस घर को बदकिस्मती की बुरी नजर से बचाने में नाकाम रहा था। घर में घुसते ही हमने देखा कि युद्धवीर की बड़ी बिटिया बर्तन मांज रही थी, जिसकी आंखें ये बताने के लिए काफी थीं कि मन कितना उदास है। हैंड पंप की हालत देखकर लग रहा था कि ये खुद महीनों से प्यासा है। 3.5 साल का जतिन भी हमारी आहट सुनने के बाद नींद से उठ चुका था, जो अपनी आंखों को मींचते हुए हमसे नजरें चुरा रहा था। चूल्हे के बगल में पड़ा लकड़ी का गट्ठर ये बता रहा था कि हम ही इस घर की पेट की आग बुझाते हैं। हम युद्धवीर की पत्नी मीना से बात कर ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर 17 अप्रैल को क्या हुआ था। आपके पति की मौत कैसे हुई थी? खेती बर्बाद होने के इसी वजह से। क्या क्या पहले तक कितना फसल बर्बाद हुई थी? 4 किलो जी। 4 किलो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। कब की सुबह जीता? कब की बात है ये जी? 15 तारीख तो 15 अप्रैल 17 अप्रैल। क्या सल्फास की गोली खा ली थी? कहाँ, घर पर की? घर पे। खेत पर ही? खेत में तो आने के बाद जी। खेत से आने के बाद जी। घर में कौन कौन है आपके? बस ये 2 बच्ची जी, लड़का। 2 बच्चे और 1 बेटा। बेटा जो 3.5 साल का है। हाँ जी। कमाने वाले घर में? कोई साधन नहीं। फिर अब कैसे चलता है घर का गुजारा? मीना बता चुकी थी कि युद्धवीर रोजाना की तरह 17 अप्रैल को भी खेत पर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक दिन पहले तक खेत में लहला रही गेहूं की फसल मिट्टी में मिल चुकी थी।
खेत में खड़ी फसल की बर्बादी के उस मंजर को युद्धवीर बर्दाश्त नहीं कर सके और घर पर आकर उसी गोली को खाकर अपनी जान दे दी जिससे गेहूं को कीड़े मकोड़ों से बचाया करते थे। युद्धवीर की मौत ने इस परिवार पर दुखों का पहाड़ गिरा दिया है। घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि साहूकारों का कर्जा कैसे उतारें। कर्ज भी था कितना? 5-6 लाख था जी। वो लोग भी आते होंगे? युद्धवीर के पास 2 एकड़ जमीन खुद की थी जबकि 4 एकड़ जमीन उसने ठेके पर ली हुई थी और ये कर्जा भी उसी के लिए था। आपकी अपनी कितनी खेती थी? 2 किलो जी। 2 किलो बाकी 4 किलो पे ठेके पे काम करते थे। ठेके पे लिया था। हाँ जी। युद्धवीर के घर में 3.5 साल के जतिन और 15 साल की नीतू के अलावा 13 साल की एक और बिटिया स्वाति भी है जो भैंस चराने गई थी। मीना को अब पता नहीं है कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी। तीन साल बाद बिटिया के हाथ पीले होने की भी उम्र हो जाएगी। ब्याह कैसे होगा पता नहीं। सरकार की ओर से कोई कभी मदद मिली आपको? ना जी। कोई आया सरकार की ओर से? ना जी। आपकी खेती गिरदावरी हुई? ना जी। दो बेटियां हैं? ना जी। कैसे शादी करनी? कोई मदद को भी तैयार नहीं। कोई और मदद किसी ने करी? ना जी। मीना अब तक बेहिसाब आंसू बहा चुकी है। भीगी आंखें सवाल करती नजर आती हैं कि क्या गरीब होना गुनाह है। सवाल युद्धवीर से भी है कि हमें अकेला क्यों छोड़ गए। सवाल कौनते हैं तो गम का सैलाब और उबाल मारता है। आंसुओं की धार में आश्वासन टिक नहीं पाते क्योंकि ये दर्द है एक किसान का जिसकी कहानी जारी है।